जय साथियों, आप सभी शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होने की प्रक्रिया चल रही थी उस पर अब सरकारी गजट आ चुका उत्तर प्रदेश का। मतलब अब आने वाला जो समय है वो आपकी भर्ती का समय, इसमें बड़ी देरी हो रही थी, विलंब हो रही थी, अब जो भी नियुक्तियां होनी है इसके अधीन होगी। मतलब अगर हम बात करें कक्षा एक से लेकर 12 तक या इंटर तक, या यू कह सकते हैं कि जो माध्यमिक थे, माध्यमिक के अलावा जो हायर एजुकेशन थे, माने उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन, चाहे वो मान्यता प्राप्त थे, सहायता प्राप्त थे या माननीय सरकार के थे, ये सभी मतलब जो पूर्ण सरकारी थे, अर्ध सरकारी थे या अशासकीय थे, एडेड विद्यालय थे, वे सभी, चाहे वो मदरसा थे, अल्पसंख्यक के थे, जो भी संस्कृत महाविद्यालय थे, संस्कृत विद्यालय थे या माध्यमिक के थे, वो सभी में नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया अब इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। इसमें इसका निर्धारण कब किया गया, क्योंकि इसके आने के बाद जो भर्तियां एक लंबित होने की प्रक्रिया थी वो कदम दर कदम एक शेड्यूल, एक कार्यक्रम के तहत आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक साल का पूरा कैलेंडर जारी हो जाएगा, उस कैलेंडर के तहत भर्ती होंगी, जैसे लोक सेवा आयोग कराती है या जैसे आप देखे होंगे NTA जो है, UGC नेट परीक्षा कराती है, उसका समय फिक्स है, कब आवेदन होगा, कब फॉर्म आएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी, कब उत्तर कुंजी आएगी, कब उस पर विवाद लिया जाएगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। तो उस तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग भी काम करेगा, और ये उम्मीद है कि आने वाले भर्तियों के लिए, इन सभी के लिए, यह केवल एक ड्राफ्ट और एक अधिनियम ही न रहकर राजा, बल्कि ने भर्तियों की पिटारे भी आपके लिए खोले। तो अभी तक जो हाथ पर हाथ धर के बैठे थे वो अपनी तैयारी जारी रखें, देर सवेर आपको उत्तर प्रदेश में नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो TGT PGT में हो, अशासकीय हो, चाहे मदरसा में हो, या आप जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें, या साथ ही साथ बेसिक विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के लिए भी एक पद का जो सृजन है वो किया जा रहा है, और जल्द ही आपको वो देखने को मिल सकता है। और यूपी टेट की जो है, यहाँ तक की जो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा है, वो भी ये कराएगी जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए। इस पर पूरा प्रक्रम एक एक करके बात करेंगे। ये 19 पेज का जो पूरा ड्राफ्ट आया है, मतलब पूरा एक तरह से कहते हैं कि ये सरकारी गजट, 19 पेज का ड्राफ्ट कहना अब गलत है, क्योंकि ड्राफ्ट नहीं रह गया, अब ये सरकारी गजट हो गया उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पर 19 पेज में लगभग 10 पेज हिंदी में, बाकी सेम वही कंटेंट को अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में दिया गया है। एक एक करके हम लोग इसको समझने का, जानने का प्रयास करेंगे इसमें क्या क्या है, और आप इसे देख के पढ़ पा रहे होंगे। इसकी PDF टेलीग्राम पर है, वहां पे जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पे सूचना में संविधान, भारत का संविधान, जिसके अनुच्छेद 200 के अधीन, मतलब यहाँ पे राज्यपाल उत्तर प्रदेश, देखिए यही लाइन जो पढ़ने के लिए हम और आप इंतजार कर रहे थे, वह लाइन यहाँ पे दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023। अब यहाँ पर उसी के बारे में पूरा यहाँ पे दिया गया है, कैसे किसकी क्या प्रक्रिया हुई है। अब यहाँ पर अब ये अधिनियम बन गया है, पहले यह विधेयक था लेकिन राज्यपाल के सहमति के बाद अब यह क्या बन चुका है, एक अधिनियम बन चुका है, अब ये कानून बन चुका है, और इस कानून के तहत, एक दायरे के तहत अब भर्तियों का संचालन भी होने जा रहा है। इसमें पूरा देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश, देखिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबंध या सहयुक्त अशासकीय सहायता, मतलब आम बोलचाली भाषा मैंने समझा दिया, चाहे वो राज्य सरकार का हो या वो किसी संस्था का हो, माने यूं कह सकते हैं, देखिए से संबद्ध सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हो या अल्पसंख्यक महाविद्यालय हो, या फिर वही इंटरमीडिएट के लिए आएगा, वही देखिए अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एंड संबंध प्राथमिक विद्यालय अथवा इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ पर उन सभी विद्यालयों की बात की जा रही है जिसमें जो उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे राज्य सरकार संबंधित हो या पूर्ण प्राइवेट हो, सभी के जो भी नियुक्ति का अधिकार था वहां पे अब इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें, बाकी इसकी जो गुण बातें वो भी आके बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और बातें यहाँ पर है जो आपको देखना हो, मैं इसे हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, देखिए यहाँ दीजिएगा एक बात, ये भी कह रहा है कि यह यूपी टेट का भी आयोजन करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उससे संबंधित या अनुबंध मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना को बंद करने के लिए, माने भी जो यूपी टेट होता था वो PNP कराती थी, ठीक है, अब लेकिन इसका जो दायित्व है वो ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है, वो इसको कराएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें अनुदेशक है, फोरमैन है, यहाँ पर मतलब ITI कॉलेज जो थे, ITI जो कॉलेज थे या पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, मैंने जो भी शिक्षकों की भर्ती होकर देती अलग अलग जगह से होती, तो एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जो वही पूरा कराने का काम करेगी। एक और बड़ी बात है जिसकी इंतजार BTC DLED अभ्यर्थी करते, वो लाइन इसमें कहा है, तो आप वो देखिएगा कि यहाँ पर ये कह रहा है कि
प्राथमिक विद्यालय अथवा उच्च प्राथमिक, देखिए यहाँ पे यहाँ दिया है अल्पसंख्यक हाई स्कूल संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, देखिए ये संबंधित विद्यालय। फिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित जो प्रबंधनकृत विद्यालय, देखिए प्रबंधनकृत विद्यालय की बात किया जा रहा है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, फिर संबद्ध प्राथमिक विद्यालय में अशासकीय सहायता प्राप्त, मतलब यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ आपके यहाँ होंगे एक एडेड विद्यालय होते हैं, जैसे अभी आपने जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा देखी थी एडेड विद्यालय हुआ था जो लगभग 1900 पदों पर हुआ था, उस तरह की भी अगर जो भर्तियां होनी है अब इसी के अधीन होनी है। इसके पहले मैनेजमेंट करता था लेकिन अब ये पूरी भर्तियां खुल गई क्योंकि बीएड के भर्तियों में यह थी कि जूनियर में भर्तियां नहीं आती, एडेड विद्यालय अलग से करते हैं, तो उनके लिए भी अब ये रास्ते खुल गए हैं, अब खुली परीक्षा के तहत उनकी भर्तियां होंगी, इससे पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी और प्रत्येक वर्ष भर्ती आने का जो क्रम था वो फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीटीसी डीएलएड के भर्ती थे उनके लिए भी राह खुल गई है। अब यहाँ पर जो बीटीसी के भर्ती डीएलएड के भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन वो 1 से लेकर 5 तक के लिए हो जाएंगे एलिजिबल, और जो बीएड के भर्ती है वो 6 से लेकर 12 तक के लिए एलिजिबल है। केवल जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए ही उन्हें जूनियर का टेट पास होना अनिवार्य है या सीटेट पास अनिवार्य है, बाकी के लिए चाहे वो एलटी ग्रेड की देना चाहे वो टीजीटी देना चाहे पीजीटी तो बीटीसी बीएड दोनों दे सकते हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर है, चाहे वो बीओ देना चाहे वो या एलटी ग्रेड हो उसके लिए उन्हें टेट की जरूरत नहीं है, या कस्तूरबा गांधी हो, कस्तूरबा गांधी जहां पे विद्यालय है वहां के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जो होता है वहां पर एक बार ध्यान देना होगा, उसके लिए भी आपको जूनियर का टेट पास होना जरूरी है। अटल आवासीय विद्यालय जो उसकी भी इसमें बात की गई है उसकी भी शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी इसी की नियमावली के तहत होगी, वहां पर भी कि जो बी एड बी टी सी 1 से लेकर 5 तक के लिए है तो उसके लिए बी टी सी और उसके ऊपर है 6 से लेकर 12 तक के लिए, तो वहां पर उसका जो प्रावधान है बी एड के अभ्यर्थी खुली परीक्षा के माध्यम से होगा, ये एकदम साफ स्पष्ट यहाँ पर कह रहा है। अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं वहां पे कह रहा है, भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में क्या क्या बना है, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 कहा जाएगा। देखिए यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 कहा जाएगा। अगर संक्षिप्त नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जब तक इस संदर्भ में पूछित न हो, देखिए इस अधिनियम में नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी यहाँ पे पूरा एकदम कहा गया है, और यहाँ पे ये भी देखिए जो जो अन्य विभाग जो थे जिसे में सम्मिलित किया गया है उनके पदाधिकारियों को कैसे मिलाए के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी इसका भी जिक्र में किया गया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत अधिनियम सेवा निमौली विशुद्ध, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो किसी प्राधिकारी के द्वारा होगी ऐसा नहीं है कि मनमाना ये चलाया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा योजना, मतलब पूरी प्रक्रिया जैसे वहां पे पहले होता था सचिव हुआ करते थे और प्राधिकारी हुआ करते थे उन सभी को इसके अंतर्गत देखा, निदेशक हुआ करते थे, यहाँ पर सब रखा गया। जिससे यहाँ पे है कि परिषद का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज या राज्य व्यवसाय परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैंने सभी की जो थी इसे मिलाया गया है उसकी भी एक एक करके यहाँ पे पूरा जिक्र किया जा रहा है। अध्यक्ष का मतलब क्या होगा, अध्यक्ष का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है, इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तत्समय अध्यक्ष की कृत्यों का संपादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, तो यहाँ पे अध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख किया गया कि इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसके क्या क्या काम होंगे, कैसे अपने कार्यों को करेगा। ठीक है, आयोग का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। यहाँ पे निदेशक का मतलब क्या है इस पूरा समझाया गया है। इसमें देखिए निदेशक का तात्पर्य निदेशक उच्च शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा या निदेशक बेसिक शिक्षा या निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण या निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजन, महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय से, इसमें संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा सम्मिलित, सभी सम्मिलित है, इसी को सभी को इसमें सम्मिलित कर लिया गया भाई इस बात में कहा है, और इसके बारे में हमें पूरा जिक्र किया है अलग अलग 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित और प्रबंधित की कोई विद्यालय, अब यहाँ पे देखिए परिषद द्वारा भी संचालित माने सरकारी विद्यालय है और जो अर्ध सरकारी विद्यालय उसकी भी बात की जा रही है। यहाँ पर भी देखिए जो व्यावसायिक कौशल होते हैं उसके भी यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सारे इनके बारे में पूरा एक एक करके यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीजों को हम लोग को जानना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा इस नियमित अधिसूचना के माध्यम से नियत किए जाने वाले दिनांक उत्तर प्रदेश नामक आयोग, मतलब अब से ये आयोग होगा वही घुमा के इस पर इस बात का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, और आगे भी कह रहा है आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक बात ये भी कह रहा है कि जो आयोग है इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष माने 1+12 कुल 13 सदस्य होंगे, अध्यक्ष को लेकर 13 होने वाले हैं।
ठीक है, आयोग एक नियमित निकाय होगा, यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय कहां पर होगा, प्रयागराज में होगा। यहां पर एक बात यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्या होगा, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। और एक बार कहा जा रहा है टेट के अंक जोड़ेंगे तो पूरी तरह से पूरी अफवाह है और ये सिलेबस से लेकर पैटर्न निर्माण स्वयं करेगा, लेकिन अभी तक ये जान लीजिएगा कि जो कह रहा है कि यूपी टेट के एक बटे चार अंक जोड़ेंगे ये पूरी अफवाह, इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है, ये भी लोगों के मन में संशय बना हुआ था। अब यहाँ पर है कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु अहर होगा यदि, देखिए उसके बारे में दिया गया क्या क्या चीजें होंगी जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, ठीक है, इस पर भी हम लोग देखेंगे। इसके सदस्यों क्या क्या इसकी सेवाएं होंगी, यहाँ पर पूरा इसकी बात दिया गया है अधिनियम में, कोई अध्यक्ष कैसे होगा, सदस्य कैसे होगा, उसके पूरा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी। देखिए आपका ज्यादा समय न ले, अब यहां पर देखिए आयोग के कर्तव्य क्या क्या होंगे, अब आयोग के कर्तव्य और शक्तियों पर हम लोग एक बार फोकस कर लेते, यही आपके लिए अनिवार्य और यही आपके लिए जरूरी था। अब यहाँ पे देखेंगे अध्यापक अनुदेशों की सीधी भर्ती रीति संबंधित मामलों में मार्गदर्शन सिद्धांत, मतलब जो इसका सिलेबस होगा या निमौली होगी या जियो होगा वो यही जारी करेगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका जियो जारी करेगा। अध्यापक या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जहां आवश्यक हो परीक्षा संचालित करना, साक्षात्कार आयोजित करना था, अभ्यर्थियों का चयन करना माने इंटरव्यू, जहां जरूरत है इंटरव्यू लेना या उनकी नियुक्ति करना या परीक्षा कराना, ये सभी जिम्मेदारी इस नए आयोग की होने वाली है। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा आयोजित करना संचालित करना माने यूपी टेट परीक्षा संचालित करना आयोजन करने की भी जिम्मेदारी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। और यहाँ चयन करना, उन्हें आमंत्रित करना, परीक्षक नियुक्ति करना, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में संस्तुति करना, अध्यापकों या अनुदेशकों को सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्त किए जाने के लिए रिक्तियों के संबंध में संस्थाओं से नियतकालीन जो नियतकालीन विवरणियां है वह अनुसूचना, ये भी क्या करना, अधिकारी द्वारा प्राप्त होगा। विशेषज्ञों की परिलब्धियां, यात्रा अन्य भत्ते की नियत करना, आयोग के निस्तारण रखी गई, मतलब यहाँ पर जितने भी काम है वो एक एक करके यहाँ पे सब दे दिया गया है। यहाँ पे चयन नियुक्ति के संबंध में कर्मी विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर बनाई गई जो नीतियां हैं उनके संदर्भ में भी यहाँ अनुसरण करना है। सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक अनुदेशक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी माने पूरी प्रक्रिया कैसे सीधी व्यक्ति होगी तो क्या होगा, उसके लिए क्या क्या आरक्षण का प्रावधान होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या चीज आ जाए, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी आधारित करेगा। और मतलब यहाँ पे आयोग पात्रता का निश्चय करेगा, मतलब यहाँ पर जितनी भी है आरक्षण का प्रावधान कैसे होगा इस पर भी है, धार्मिक भाषा अल्पसंख्यक शिक्षण नियुक्ति के संबंध में इसकी गुणवत्ता कैसे बनाया जाए इस पर भी ध्यान देगा। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन रिक्त सूचित किए जाने के पश्चात यथा शक शीघ्र जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षाजित करेगा अथवा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार करेगा, अथवा परीक्षाजित करेगा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार करेगा जो कि नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए उनका पैनल सूची तैयार करेगा, मैंने उनकी सूची बनाएगा कहां इनकी परीक्षा होनी है, कौन इनका इंटरव्यू करेगा या करानी है कि नहीं करानी, कहां करानी है, ये पैनल कौन सा बना है, अभ्यर्थियों का पैनल कैसा होगा, ये सब इनका काम है। पैनल का मतलब वहां का कमेटी जो बनेगी। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे कह रहा है कि चयनित अभ्यर्थी कैसे कार्यभार ग्रहण करेंगे, उनकी नियुक्ति पत्र देने का काम होगा। चलिए अब क्या है, चयनित अध्यापक अनुदेशक की नियुक्ति के लिए देखें, अध्यापक अनुदेशक प्रत्येक नियुक्ति आयोग की संस्तुति पर ही होगी, इस अधिनियम उपबंधों को उल्लंघन करने की नियुक्ति शून्य हो जाएगा। अच्छा अच्छा जैसे किसी की नियुक्ति हो रही है, किसी की मृत्यु हो जा रही है, उसके जगह कोई निमाली कोई बहाली हो रही है तो इसी का अधीन होगी, अन्य कोई काम कहीं से नहीं होगी। और कोई व्यक्ति अधिनियम के अनुदेशक के हकदार किंतु नहीं, अच्छा यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, इसका एक जगह वो दिया गया है कब से कब क्या होगा कार्यभार कैसे, ऐसे चयनित व्यक्ति कार्यभार ग्रहण कर उल्लेख करते हैं तो अपना अभ्यर्थ निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अच्छा यहाँ पे पूरा उनके बारे में इनका जिक्र किया गया है, यहाँ वित्तीय वित्त कहाँ से आएगा, आय व्यय क्या होगा, अध्यक्ष की शक्तियों का काम क्या होगा, आयोग अपना वार्षिक लेखा जोखा बंद करके पश्चात यथाशीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रावधान तैयार करें, अच्छा ये भी होगा। अच्छा मतलब एक एक चीजें हैं और इसके अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक एक टॉपिक बाई टॉपिक, ताकि आयोग की जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ना, आयोग में परीक्षा आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए शुल्क विहित करते हुए इस अधिनियम का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। चलिए राज्य सरकार कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये भी उद्देश्यों कारण क्या है, चलिए यहाँ पर ये भी दे रहा है कि यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था,
वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यापकों के चयन के लिए विभिन्न आयोग, एक राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज अध्यापकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तीसरा हो गया ये सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा संबंध प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों को पद चयन हेतु संबंधित प्रबंधन समिति, चौथा हो गया परिषदी विद्यालय में सहायक अध्यापकों के चयन हेतु जिला विधि शिक्षा अधिकारी एवं सचिव विधि शिक्षा परिषद, पांच हो गया व्यावसायिक शिक्षा विभाग में निदेशक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। मतलब यहाँ पर कई ऐसे आयोग थे जो अलग अलग थे, शिक्षकों की भर्ती क्या करते, इसमें देरी भी हुआ करती थी, कई बार कई कई साल तक चला जाता, मामला निस्तारित नहीं हो पाता था। इसको एक करने से कहा जा रहा है इसमें तेजी आएगी, चीजें और जल्दी हो पाएंगी, गुणवत्ता आएगी। और इसमें क्या है, चयन संबंधी दक्षता के स्तर विभिन्नता के कारण अध्यापकों को चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है, अध्यापकों को समय से चयन नहीं हो पा रहा है, विभिन्न संस्थाओं में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं, इससे राज्य में छात्रों पर छात्रियों के प्रभाव पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि पद भी रिक्त है। देखिए यहाँ पर एक बहुत कह रहा है कि आयोग संस्थाओं द्वारा चयन संबंधी दक्षता स्तर भिन्नता के कारण अध्यापकों के चयन गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं, अध्यापकों का समय से चयन नहीं हो पा रहा है, विभिन्न संस्थाओं में अध्यापक अनेक पद रिक्त है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अनेक पद भी रिक्त है, पद रिक्ति की बात भी यहाँ पे स्वीकार की जा रही है, इससे राज्य में छात्र परीक्षार्थियों शिक्षा परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसके अलावा संस्था स्तरीय चयन समिति द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता अभाव भी परीक्षित है, जिसका परिणाम मुकदमे स्थितियां उत्पन्न हो रही है, मुकदमेबाजी भी बहुत जारी हो रही है। तो यहाँ पर इसके लिए एक रूपता हो, चयन द्वारा अध्यापकों भर्ती प्रक्रिया में एक रूपता हो, पारदर्शिता हो, चरणबद्धता हो, मतलब यहाँ पर यही एक बात कही जा रही है बार बार घुमा फिरा के कि यहाँ पर पारदर्शिता लाई जा रही है, एक जगह एक रूपता लाई जा रही है और मुकदमेबाजी ना हो, एक साथ हो, प्रत्येक वर्ष का कैलेंडर जारी हो ताकि अभ्यर्थियों को कहीं भी किसी भी समय दिक्कत ना हो, एक कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत ये अभ्यर्थी पता हो जाए कब परीक्षा देना है, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू, कब नियुक्ति पत्र मिलेगी और इस बार नियोग अगली बार फिर कब आएगा, तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में उन्हें हर चीजें की पता होती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इससे क्या होगा, कहीं भी अभ्यर्थियों में जो रोज की भावनाएं रहती है, अच्छा अभ्यर्थियों को चयन नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे एक चीज ये है लग रहा है कि पद की संख्या कम, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब पद आएंगे तो पद संख्या कम होगी, तो अच्छे अभ्यर्थी जो है उन्हीं का चयन होगा, क्योंकि जब पद संख्या ज्यादा होती है तो लगभग सभी प्रकार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जब पद संख्या कम होती है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छे जो क्रीम बच्चे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन, उन्हीं का चयन हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एकदम स्पष्ट रूप से चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया। अब अगर यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक करके पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप में एक लाइन में सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन में सब चीजों को समझेंगे एक बार में कि देखिए यह आयोग अब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो गया है, चुनाव से पहले ये अपनी तेजी से काम करेगा। सबसे पहला जिसका काम होने जा रहा है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को डेट, और जो हायर एजुकेशन में लगभग 1073 पद लगभग थे उन पदों की प्रक्रिया को अंतिम रूप से अंतिम नियुक्ति पद तक पहुंचाने का काम है, और उत्तर प्रदेश में बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए यथाशीघ्र यूपीटेट का आयोजन करना, यूपीटेट के परिणाम जारी करना और नए शिक्षक भर्ती के लिए एक गाइडलाइन भी जीओ भी जारी करना कितने पदों पर होगी। तो जो अनुमानित है, जो अनुमान मेरा अंतरात्मा कह रही है 68,500 के जो पद बचे पद लगभग 22,000 पद थे उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि लगभग 17,000 पदों पर 2022 के जनवरी में जीओ जारी करने की बात की जा रही है, लेकिन मामला न्यायालय में जाने के कारण रुक चुका था। फिर 6800 को अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने उसे रिट को 69,000 जो था उसमें 6800 की जो लिस्ट उसे खारिज करते हुए कहा कि पूरी एक लिस्ट रिविजिट किया जाए, फिर से लिस्ट बनाई जाए आरक्षण को लेकर, और उसकी 15 तारीख को सुनवाई भी होनी है, 11 होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है। तो उसके बाद एकदम स्थिति साफ हो जाएगी कि कम कुछ लोगों का मानना है कि 9,000 पदों पर होगी। देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं चाहूंगा ज्यादा पदों पर आए, और अब इस बार केवल बीटीसी के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे और यथाशीघ्र, क्योंकि आयोग बनने के बाद तेजी से भर्तियों का पिटारा खोलेगा, और आप सभी तैयार रहिए, आप अपने अपने कामों पर पूरा फोकस रखिए। एनसीईआरटी इसके लिए मस्ट एनसीईआरटी पर फोकस रखेगा, क्योंकि हमेशा जब नया आयोग बना है इतिहास है कि वो हमेशा एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, परीक्षाओं का ट्रेंड बदल एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं लेकिन उनकी कठिनाई इस तरह बढ़ा दी जाती है, प्रश्न पूछने का तरीका बदलता जा रहा है, तो उन सबको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, जैसे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जाएंगे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, और अगर नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासेज आप सभी के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है हम आपके लिए निःशुल्क लेकर आते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि यूपीटेट के 1/4 अंक नहीं जोड़े जाएंगे, इसको लेकर भ्रम ना फैला जाए, कुछ लोग अकेडमिक नहीं जुड़ेगी, तो जो प्रक्रिया थी चलती रहेगी, लेकिन चाहे तो अपडेट कर सकता है, सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकता है फिलहाल, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि सिलेबस में परिवर्तन होगा। एक सवाल यह है क्या सुपर टेट होगा कि नहीं होगा, नहीं ये आप लोग मान के चलिए, नहीं यार शिक्षक भर्ती जो
आएगी उसमें सुपर टेट होना ही होना है, मतलब एक जो मुख्य परीक्षा होती थी वो होगी एमसीक्यू होगी। हाँ एक बात यह है कि इस परीक्षाओं में अब नकारात्मक अंक के भी प्रावधान रखे जा सकते हैं। देखिए ये अनुमान है पूरा मेरा और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो या ना हो, लेकिन यह जो ड्राफ्ट बन रहा था उस कमेटी में बात यह भी अला से जा सकती है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। और एलटी ग्रेड की भी भर्ती परीक्षा अब इसी का दिन होनी है, ये भी लगभग बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन एलटी ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आ सकती है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को धार लगा के रखें। और बाकी जो कोई सवाल आपके प्रश्न इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसको हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे एक दो वीडियो में और, ताकि आप उत्तर प्रदेश के अगर हैं और अगर आप बीटीसी बीएड हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, या आप पीजीटी की तैयारी करें तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अब आपके स्वर्णिम दिन आने वाले हैं, अब आप अपने स्वर्णिम दिन की तरफ बढ़िए, क्योंकि पद संख्या कम होगी तो अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा, फिर अगली बार आएगा फिर अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो केवल नाम का पढ़ाई करके अपने पास डिग्री अर्जित किए थे और ये उम्मीद करते जब परीक्षा आएगी तब पढ़कर पास होएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कठिनाइयों का दौर शुरू होगा, लेकिन आप जिससे अभ्यर्थियों के लिए अच्छा दौर होगा और आप नियुक्ति तक पहुंचेंगे। बस उम्मीद करते हैं यह आयोग यथाशीघ्र भर्तियां निकाले, भर्तियों का हर वर्ष निस्तारण करता चले और हर वर्ष पद को क्रमवार लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि आप सबका उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल हो और उज्ज्वल भी रहेगा। आप सभी ये वीडियो को शेयर करिएगा, कोई प्रश्न कोई सवाल वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक कर रखिएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को खूब लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारे लिए हम लोग पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़ते रहेंगे। एनसीईआरटी के नोट्स के लिए लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों नोट्स यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। एनसीईआरटी क्योंकि बहुत ही कॉमन है, आपने देखा चाहे बिहार शिक्षक भर्ती रही हो या कहीं भी, या पिछला यूपीटेट उठा के देख लीजिएगा, तो 30% जो सवाल थे प्रश्न थे वो एनसीईआरटी से उठाकर आ रहे थे, तो एनसीईआरटी को भी आपको कवर करना होगा, एनसीईआरटी को आपको फोकस करना होगा। फिलहाल मिलते हैं एक नए सेशन एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत, तैयारी में धार लगा दीजिए और अपनी रेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, और आप रेस से घोड़े और आपकी रेस सिलेक्शन से। थैंक यू, बाय बाय, सभी को थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है ना।